हेलो थिंकर्स, स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज का हमारा मुद्दा क्या है, हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की अधिकता को कम करना, ये हमारा मुद्दा है। रिड्यूसिंग सुप्रीम कोर्ट केस ओवरलोड, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसे कम करने से रिलेटेड मुद्दा है, उस पर चर्चा करेंगे हम। इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रीलिम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में भी। प्रीलिम के इतने सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, इससे मेंस का भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा। मेंस का वैसे दो तीन टॉपिक कवर हो जाएंगे, बाकी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं चांसेस है। चलते हैं अपने एडिटोरियल की ओर। इसके इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो कि करंटली कंसीडर किया गया सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मामले पेंडिंग है जो 34 जजों द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। 34 जज पर 80,000 मामले पेंडिंग है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। और ये सिचुएशन है, उसके इसे देखते हुए बहुत मतलब बहुत जल्दी ही रिफॉर्म लेने की आवश्यकता है। इससे रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लॉ कमीशन का डेटा यूज़ कर सकते हो, लॉ मिनिस्ट्री द्वारा लॉ मिनिस्ट्री द्वारा राज्यसभा में एक डेटा दिया गया था उसका भी आप मेंशन कर सकते हो। लॉ मिनिस्ट्री ने अभी डेटा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो 10 लाख लोग हैं ना, उसमें केवल 22 जज है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर 10 लाख लोगों पर 50 है। इंटरनेशनल औसत 10 लाख लोगों पर 50 जज, जबकि भारत में 10 लाख लोगों पर 22 जज है। ये कंडीशन सही नहीं है, भारत की स्थिति सही नहीं है, तो जजों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। ये पूरी आप डेटा यूज़ कर सकते हो जब आप इसका इंट्रोडक्शन दो तब। उसके बाद में हिंदी मीडियम, वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। 80,000 मामले लंबी थे भारत में, 34 जजों पर बैकलॉग की स्थिति है, ये चुनौती प्रकट करती है, और इस प्रकार की जो चुनौती है वो सुधारों को आह्वान करते हैं। लंबित मामला न केवल अवसंरचना पर दबाव को उजागर करती बल्कि एक कुशल सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जो हमारे फैक्चुअल डिटेल है उसे जान लेते हैं, जो प्रीलिम में हमारे काम आ जाएंगी और हमारा जो एक स्टैटिक पोर्शन है वो भी पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के आर्टिकल 124 में दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 124 में कहा गया है हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 में कहा गया हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होगा, मतलब न्यायालय विभाग न्यायिक विभाग की ओर से हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होगा। इसी ऊपर कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं हुई है, एक 124 में मेंशन है। इसके जो पावर है वो अलग अलग इसको पावर दी गई है, इसके क्या क्या काम है, मतलब इसकी जो पावर उसमें ये क्या क्या काम कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ लॉ, कोई भी कानून है उसको वैलिड है या वैलिड नहीं है उसके बारे में तय कौन करेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है, ये सारा मेंशन हमारे संविधान में, ठीक है। और ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, इससे ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। आपको कुछ दिक्कत है, आपको अपील जाना है, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और नीचे अदर लोअर कोर्ट है। तो हाईएस्ट अपील कोर्ट कौन सी है, वो सुप्रीम कोर्ट है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में हाईएस्ट अपीलेट बॉडी ही है। कुछ लोग पीडी का भी प्रेजिडेंट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, नहीं प्रेजिडेंट है वो अपीले मामलों में नहीं है, उसे माफ़ी के लिए आप बात कर सकते हो। तो अपीलेट बॉडी हाईएस्ट कौन सी है, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जज कितने हैं, अभी बात करें तो 34 है। 2019 में संख्या को बढ़ा दिया गया था, और इस संख्या मेंबर इनके कौन बढ़ा सकता है, तो 124 में ये भी मेंशन है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा सकती है, ये पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है। और टोटल नंबर कितने हैं, 34 है, 34 एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 अदर, टोटल नंबर ऑफ जज है 34 है, ये चीज़ आप याद रखना। और ये वेरियस टाइप के इश्यू को, इनकी खुद की प्रोसीजर होता है और काम करने का तरीका होता है, ये खुद के अपने ऑर्डर जारी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम 124 आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय हाईएस्ट न्यायिक प्राधिकरण है, सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, ये कानून की वैधता है, संविधान की व्याख्या है, मूल अधिकारों से जुड़े सुरक्षा के मामलों पर सुनवाई करने के लिए अंतिम शक्ति है। अपील की भी अंतिम शक्ति ये सुप्रीम कोर्ट है। भारत में चीफ जस्टिस के अलावा 33 अदर जज होंगे, और जज बढ़ाने की संख्या का काम कौन करेगा, ये राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एक कॉलेजन प्रणाली होती है। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है जो सीनियर मोस्ट जज होगा, उसके अलावा जो 33 जज है इसको कैसे नियुक्त किया जाएगा, तो इनकी नियुक्ति की जाती है प्रेजिडेंट के द्वारा, एक कॉलेजन प्रणाली बैठती है, वो प्रेजिडेंट को सिफारिश करती है, और प्रेजिडेंट है वो फाइनल वर्डिक्ट देके
बाकी जो जज है उनकी नियुक्ति करते हैं, और इनके जजों की संख्या टोटल कितनी होगी ये पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया गया। आर्टिकल 124 में कहा गया कि पार्लियामेंट है वो डिसीजन लेगी कि टोटल नंबर ऑफ जज कितने होंगे, इनकी खुद की प्रक्रिया वगैरह होती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इवोल्यूशन कैसे आया था, स्टार्टिंग में तो सुप्रीम कोर्ट था नहीं, तो कैसे बना था? तो देखो पहले क्या था, जब हमारा देश अपने देश पर वो अंग्रेजों का राज था, तो इंडिपेंडेंस से पहले कॉलोनियल एरा में तीन सुप्रीम कोर्ट थे। कौन कौन से? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीन हाई कोर्ट थे, तीन सुप्रीम कोर्ट थे। इनको लेके आए थे 1861 का एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 आया। और उस हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 में कहा गया कि जो ये सुप्रीम कोर्ट थे ना तीन, इनको चेंज कर दिया गया हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। पहले ये तीन थे सुप्रीम कोर्ट थे, इनको अब चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया हाई कोर्ट के साथ में। देखो देर बाद थ्री सुप्रीम कोर्ट, इनको बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, बाद में इनको हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में, रिप्लेस कर दिया सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के साथ में। इसके बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, सब जानते हैं अपने इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो इसमें पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो इसमें जो जो ये तीन हाई कोर्ट थे उसके साथ साथ जो अपना ये प्रीवी काउंसिल, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ पर पूरा एक ही उनको एक कोर्ट के अंतर्गत लाया गया, वो कोर्ट थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। 1935 के एक्ट में, 1935 के एक्ट में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाई गई, जिसके अंतर्गत पूरी तो प्रीवी काउंसिल और इसके साथ साथ तीनों हाई कोर्ट थे वो इसके अंतर्गत लाए गए। ये पूरा हो गया। अब जो अपना फाइनल जो अभी वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, हमारा देश में संविधान कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट तो पहले किया गया था, बाद में फाइनल इसको रूप में कब लिया गया था इसको, तो वो लिया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 के दो दिन बाद में 28 जनवरी 1950 को हमने सुप्रीम कोर्ट को भी अपना लिया था, मतलब हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया 28 जनवरी 1950 को। आर्टिकल 124 में इसका मेंशन किया, आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डील करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी होगा, इससे ऊपर कोई अपीली बोर्ड होगी नहीं। और 130 का आर्टिकल है उसमें मेंशन है इसकी बेंच कहां पर बैठेगी, तो दिल्ली में बैठेगी, इसकी बेंच बैठेगी दिल्ली में, इसके बारे में भी आर्टिकल 130 में वर्णन है। वैसे कोई पूछता नहीं, बाकी ये तो फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड, जिस प्रकार से यूपीएससी जा रहा है उस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि दिल्ली में जो बेंच बैठती है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 130 में मेंशन है कि दिल्ली में एक बेंच बैठेगी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जजेस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 की बात करें तब नंबर ऑफ जजेस की संख्या थी 8, एक सीजीआई प्लस 7 और जज, वर्तमान की बात करें तो 33 अदर जज प्लस एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल नंबर ऑफ जज है 34। ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, आर्टिकल 124 के तहत पार्लियामेंट है वो जजों की संख्या बढ़ा सकती है। समझ में आ गई, सिंपल सी चीज़ है। हिंदी मीडियम, सुप्रीम कोर्ट का विकास कैसे हुआ? कॉलोनियल टाइम में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास तीन हाई कोर्ट थे, तीन सुप्रीम कोर्ट थे। 1861 का एक्ट आया, हाई कोर्ट एक्ट, इसने तीन जो सुप्रीम कोर्ट थे उनको रिप्लेस कर दिया हाई कोर्ट के साथ में। अब फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसने प्रीवी काउंसिल जो अपना पूरा भारत था ब्रिटिश के अधिकृत उसके लिए और हाई कोर्ट के लिए लेके आए सुप्रीम कोर्ट, जिसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया। और 1950 में 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें 124 आर्टिकल दिया गया उसमें वर्णन कर दिया गया। आर्टिकल 130 के तहत इसकी ब्रांच कहाँ बैठेगी? दिल्ली में इसकी ब्रांच बैठेगी, ये भी मेंशन कर दिया। इसके नंबर ऑफ जज कितने होंगे? नंबर ऑफ जज उस टाइम में थे 8, जब हमारा देश आजाद हुआ नंबर ऑफ जजों की संख्या थी 8, वर्तमान में जजों की संख्या है 33 प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 34। कौन डिसाइड करेगा? हमारी संसद डिसाइड करेगी, ये पूरा मेंशन किया गया संविधान में। जान लेते हैं हाउ मेनी ज्यूरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन कितनी है, इसकी न्यायिक जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के? तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अकॉर्डिंग तीन ज्यूरिडिक्शन है। पहला इसका मूल यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा जिसे मूल ज्यूरिडिक्शन भी कहा जाता है, दूसरा अपीलेट जिसे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन भी कहा जाता है, तीसरा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। मूल या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कौन सी होती है? तो ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है, जैसे ऐसा संविधान का इंटरप्रिटेशन करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन या संविधान की व्याख्या करना हो,
ऐसे मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई इश्यू चल रहा है उसके मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा इश्यू हो जो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट का वॉयलेट कर रहा हो तो ऐसे मामले हाईकोर्ट भी सुन सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का भी ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। एपीलेट मामले हाईकोर्ट से कोई इश्यू चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में मामले भेज सकते हैं। एडवाइजरी आर्टिकल 143 143 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट इनको सलाह दे सकती है। वो मानना नहीं मानना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है, पर आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग वो सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 143(3) में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 143(3) में, संविधान के आर्टिकल 143(3) में कहा गया है कि अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग बेंच बैठेगी। और ये अलग अलग बेंच कौन सी होती है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, संवैधानिक बेंच होती है, एक लीगल बेंच होती है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है ना, इसमें क्या प्रावधान है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल से जुड़े मामले, जो संविधान का इंटरप्रिटेशन करना हो, इससे जुड़े हुए कोई मामले है ना, तो उसके लिए जो मिनिमम जज बैठेंगे ना, वो 5 जज बैठ के उसे सुनवाई करेंगे। मतलब आर्टिकल 143 में कहा गया है, 143 में कहा गया है कि अगर बात कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कोई इंटरप्रिटेशन करना है, तो बैठेगी संवैधानिक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब भी बैठेगी उसमें मिनिमम 5 जज होंगे, और ये मिनिमम 5 जज ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुड़ा हुआ मुद्दा उसकी सुनवाई करेंगे। ये 143 में वर्णन किया गया। अब जो अलग अलग बेंच बैठेगी इसका डिसीजन कौन लेगा? तो इसका डिसीजन लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो तय करेगा कि कौन सी बेंच में कौन सा जज बैठेगा, क्या कौन से जज किस बेंच से रिलेटेड होंगे, इसका फैसला करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। पूरा समझ में आ गया? ये नॉर्मल डिटेल थी, प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें मिनिमम 5 जज होते हैं, मैक्सिमम 5, 7, 9 ऐसे हो सकते हैं, ये बात समझ में आएगी। आर्टिकल 143(3) में वर्णन है। आर्टिकल 143 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है? इसमें प्रेसिडेंट है, एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मानना नहीं मानना प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। क्षेत्राधिकार हिंदी मीडियम, मूल अपीलीय और सलाहकारी, संवैधानिक मामलों के लिए अपीलीय न्यायालय है, और इसके लिए जो मुख्य न्यायाधीश है वो तय करेंगे कौन सा मामला किस बेंच के पास में जाएगा, संवैधानिक बेंच के पास में या दूसरी बेंच के पास में जाएगा। आर्टिकल 143(3) में वर्णन है कि मिनिमम 5 जज होंगे जो संवैधानिक बेंच का फैसला करेंगे। 143 में राष्ट्रपति है वो सलाह लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, या सुप्रीम कोर्ट है राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगा। अब लंबित मामलों के अपना जो मेन टॉपिक है वो आ गया। अभी देखो, अभी डेटा आया, इस डेटा का आप यूज भी कर सकते हो। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के एक डेटा के अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार भारत में 80,000 2023 तक 80,000 जो मामले हैं वो लंबित पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 80,000 मामले लंबित पड़े हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत में 80,000 है वो 2023 तक 80,000 मामले लंबित पड़े हैं, जिसमें 78% है वो सिविल मामले हैं, 22% है वो क्रिमिनल मामले हैं। इतने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित पड़े हैं मामले। उल्लेखनीय बात यह है कि ये ज्यादा डेटा तो आप यूज कर नहीं सकते, बस इतना कर सकते हो, इतना याद भी नहीं रहेगा। 78%, 20% और 80,000 आंकड़े लंबित है। ये आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो यहाँ पे भी ये डेटा दे रखा है, टोटल पेंडिंग अब 80,000 और सिविल केस 62,000 से ज़्यादा है, 62,000, 70,000, 17,000 है वो क्रिमिनल केस है, ये मामला दिया गया है। नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इंग्लिश मीडियम लो, अब इसका रीज़न क्या है, क्यों इतने सारे केस है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष? तो इसका देखो रीज़न अलग अलग दिए गए, अपन रीज़न को डिटेल से जान लेते हैं। तो पहला रीज़न है नंबर ऑफ लो स्ट्रेंथ ऑफ जज, न्यायाधीशों की संख्या की कमी। हमारा पहला जो पॉइंट हो जाएगा, ऐसे अपन लिखेंगे ना, भारत में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो इतने पेंडिंग केस हैं उनकी कम कारण क्या है, तो न्यायाधीशों की संख्या की कमी, या फिर लिख सकते हो आप लो स्ट्रेंथ ऑफ जज। तो इसका क्या कारण है, ये क्या बताता है, क्या शो करना चाहता है? तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तो चलो 34 जज है, लेकिन कुछ टाइम पहले की बात करें तो जज थे 32 ही थे, जबकि टोटल स्ट्रेंथ 34 है, फिर भी 2 वैकेंसी थी वो रिक्त थी, मतलब खाली पड़ी थी 2 जगह। तो इसलिए अगर आप 34 पहले तो कम संख्या है, उसके बावजूद भी 2 कम है, तो केस तो बढ़ेंगे ना, तो पेंडिंग केस की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ अपनी लॉ मिनिस्ट्री का एक डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 21 जज है वो डील करते हैं 1,00,000 लोगों पर, मतलब 10,00,000 लोगों पर
21 जज है पर मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख पॉपुलेशन पर, 10 लाख पॉपुलेशन पर 21 जज काम कर रहे हैं, भारत का ये आंकड़ा है। जबकि वर्ल्ड के आंकड़े की बात करें तो 50 जज है 10 लाख लोगों पर, वर्ल्ड में ये स्थिति है, वर्ल्ड की औसत स्थिति है 50 जज है 10 लाख लोगों पर काम करने के लिए, सुनवाई करने के लिए। भारत में ये स्थिति है 10 लाख लोगों पर केवल 21 जज। अब 21 जज है वो 10 लाख लोगों का मामला सुनवाई कैसे कर सकते हैं, जबकि ये तो वर्ल्ड की औसत है, औसत भी बहुत कम है, और औसत वर्ल्ड में 50 है, उससे नहीं, उसमें भी भारत कम है, बहुत पीछे है। तो स्थिति देख लो आप खुद ही खुद, पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। इस डेटा को आप यूज कर सकते हो राज्यसभा में लॉ मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए एक राज्यसभा में लॉ मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए एक आंकड़े के अकॉर्डिंग भारत में 21 जज है वो सुनवाई करते हैं 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन पर 21 जज कार्य कर रहे हैं। तो ओवर मतलब समझ में आ ही जाता है, जबकि वर्ल्ड में ये जज की संख्या है 50 है। हाउएवर आपको ये समझ में आ ही गया होगा बस। तो पहला पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हो कि न्यायाधीशों की संख्या की कमी, ठीक है, इसकी हिंदी मीडियम दे सकते हो, लंबित मामलों के कारण न्यायाधीशों की संख्या की कमी है, जिसमें 32 न्यायाधीश थे उसमें 2 वैकेंसी पहले तो खाली थी, उसके बावजूद भारत में 21 जज है वो 10 लाख पॉपुलेशन पे कार्य कर रहे हैं। ये टॉपिक पहला पॉइंट हमारा हो गया न्यायाधीशों की संख्या में कमी। अब दूसरा पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं वो है, एक तो न्यायाधीशों की संख्या कमी है, दूसरा है कि इसमें एब्सेंस भी ज्यादा है, एब्सेंस ऑफ जजेस। दूसरा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ जजेस, मतलब ये कहना क्या चाहता है, एब्सेंस ऑफ जजेस के माध्यम से कहना क्या चाहता है कि जज है वो दूसरे कामों में उलझे रहते हैं। लाइक मैं ऐसे बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, बट वो दूसरे जो फंक्शंस होते हैं उन अटेंड करना, इंटरव्यूज वगैरह, तो उनमें रहते हैं, जिससे क्या जो मेन काम है सुनवाई करना वो पीछे रह जाता है। एक डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट है 193 डेज काम करता है, सुप्रीम कोर्ट है टोटल 193 दिन काम करता है, जो कि स्थिति बहुत ही ज़्यादा कम है। जबकि एक सलाह दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को 206 दिन से ज़्यादा काम करना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट अभी काम कितना कर रहा है, 193 दिन काम कर रहा है। तो दूसरा है एब्सेंस ऑफ जजेस। अब मैं बात करें टॉपिक की, क्या क्या रीज़न है, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने मामले पेंडिंग है। तो हमने पहला पॉइंट जान लिया, पहला पॉइंट हमारा क्या था, एक तो जजों की संख्या में कमी थी, पहला पॉइंट हो गया था जजों की संख्या में कमी। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि एब्सेंस ऑफ जज, ठीक है, पहला जजों की संख्या में कमी, दूसरा एब्सेंस ऑफ जज, तीसरा पॉइंट हमारा है, या आप लिख सकते हो डायरेक्टर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना की कमी। एक अकॉर्डिंग बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो करने वाले वर्कर होते हैं, काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं, उनके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, उनके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको जो सैलरी दी जाती है वो भी बहुत कम होती है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में अभी 17 कोर्ट रूम है, जो कि इनफ नहीं है, इतने सारे लोगों की सुनवाई करने के लिए 17 कोर्ट रूम बहुत ज़्यादा कम है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा हाई कोर्ट से जो पेंडिंग केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करके, अब देखो एक तो दिल्ली में है ये सुप्रीम कोर्ट, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनके आसपास के जो भी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत भेज दिए जाते हैं। आसपास से ज़्यादा तमिलनाडु वगैरह उधर से या नॉर्थ ईस्ट से मामले बहुत कम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील के तहत, हाई कोर्ट के, क्योंकि हाई कोर्ट इनके जो पास पास है वो तो खर्चा ज़्यादा आता नहीं तो भेज देते हैं, यहाँ के मामले कम है। तो इसका समाधान भी ये है कि इसका समाधान ये कि रीजनल बेंच स्थापित कर दी जाए। इसके अलावा हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया, पहला जजों की संख्या में कमी, दूसरा एब्सेंस ऑफ जज, तीसरा अपील, ये मतलब हाई कोर्ट के द्वारा अपील भेजना, चौथा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और पांचवा इसका है पीआईएल का मिसयूज। अब पीआईएल का मिसयूज वो कैसे पेंडिंग कर सकता है, पीआईएल का मिसयूज है, कोई भी छोटी मोटी बात हो, सर अभी एक आपने पीआईएल सुनी होगी फॉर एग्जांपल कि अपना जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें से ये वर्ड हटा दो, कौन सा वर्ड हटा दो, इसमें जो लिखा गया है कि हमारा देश है वो एक तो धर्मनिरपेक्ष है, कुछ लोगों ने पीआईएल की धर्मनिरपेक्ष इसको हटा दो, कुछ लोग कहते हैं मतलब कुछ पॉइंट है बिना बात की वो करें, अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना किया तो नहीं इसे नहीं हटा सकते हैं, तो वो छोटी छोटी बातों में पीआईएल डाल देते हैं, मामला अटका देते हैं, तो पेंडिंग ऑफ केसों की संख्या बढ़े। तो ये पीआईएल का मिसयूज होगा ना, जबकि पीआईएल का रियल तो यूज हुआ था, यूज होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, जहां पर पब्लिक के इंटरेस्ट अड़े हुए उस मामलों में यूज होना चाहिए, बट क्या छोटी मोटी केस अटका के ऐसा एक्शन ले लो वैसा ले लो, आज ये हो गया वो हो गया, तो इससे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग केसों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि इस मामलों में भी बढ़ रही है ओनली
कि ये धर्मनिरपेक्ष वगैरह का, जस्ट बता रहा हूँ कि छोटे मोटे मामलों में भी पीएल डाल दी जाती है जिससे केस की संख्या बहुत बढ़ जाती है। सिंपल बात ये है। तो हमने अलग अलग पॉइंट डिस्कस करे, एक तो जजों की संख्या कम है, फिर दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि पेंडिंग केसों की संख्या ज़्यादा है बिकॉज ऑफ जज है वो एब्सेंस उनकी ज़्यादा है। तीसरा हमने ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। चौथा ये कि हाईकोर्ट द्वारा अपील बहुत ज़्यादा की जाती है। पाँच हमने पॉइंट ये डिस्कस किया कि जो पीआईएल है उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है पीआईएल का। ये सब पॉइंट आप दे सकते हो। अब कुछ समाधान भी होने चाहिए, अपने प्रॉब्लम तो बता दिए, तो इसका रिफॉर्म क्या किया जाना चाहिए। तो रिफॉर्म की बात करें इसमें तो कई प्रकार के हम रिफॉर्म ले सकते हैं। एक अरब पेज में रिफॉर्म अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये अरब पेज देख, हमने पहले प्रॉब्लम देख ली कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहला जजों की संख्या की कमी, जजों की संख्या की कमी। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि एब्सेंस ऑफ जज, एब्सेंस ऑफ जज, जजों की अनुपस्थिति। तीसरा हमने किया हाई कोर्ट द्वारा अपील, बहुत ज़्यादा अपील कर दी जाती है। चौथा हमने किया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप अलग अलग पॉइंट ऐड कर सकते हो, बाकी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पांचवा हमने पॉइंट किया पीआईएल का मिसयूज। ठीक है, ये पॉइंट हो गए हमारे। फिर हम इसके सुधार, सुझाव, मतलब क्या क्या इसमें एक्शन ले सकते हैं। तो सुधार तो हम पहला कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ जजे है उसकी वैकेंसी जो भी है, नंबर ऑफ जजों की संख्या बढ़ाना, वैकेंसी जो भी है उसको तुरंत ही फुलफिल किया जाएगा। तो चौथी से इसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना चाहिए और नंबर ऑफ जजेज की संख्या उसको भी बढ़ाना चाहिए। दूसरा इसका अपन ये एक्शन ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एब्सेंस ऑफ जज है ना, तो उसमें जो 193 डेज अभी काम कर रहे हैं तो उनकी काम की संख्या जो है 206 दिन होनी चाहिए। काफ़ी जो लॉ मिनिस्ट्री वगैरह ने एडवाइस दी थी कि इसके नंबर ऑफ जजेज की संख्या है, सॉरी जो एब्सेंस ऑफ जो टाइम है सुप्रीम कोर्ट कम टाइम में 193 दिन काम करता है, उसकी जगह 206 दिन काम करना या इससे ज़्यादा काम करना चाहिए, ये भी कहा गया था इसके बाद में। और इसके अलावा ये भी है कि दो डिवीजन बना दो। कैसे? सुप्रीम कोर्ट अभी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में काम करता है, एक लीगल बेंच में के रूप में काम करता है। तो सलाह दी गई थी लॉ 10वें जो लॉ कमीशन था ना, उसमें सलाह दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की दो अलग अलग डिसीजन बना दो। जो एक तो काम करेगा संवैधानिक बेंच के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कार्य करेगा, दूसरा है वो विधिक बेंच यानी लीगल बेंच का कार्य करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग होगी, लीगल बेंच अलग होगी, तो इससे क्या बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ये भी सलाह दी जाती है, तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, इसके रीजनल जो सुप्रीम कोर्ट के रीजनल सिटिंग बेंच है ना उसकी भी स्थापना की जाएगी, रीजनल बेंच की स्थापना करना। अब रीजनल बेंच की स्थापना से क्या होगा, देखो चार रीजनल बेंच कर लो, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में, चार रीजनल बेंच होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने वही मामले आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से जुड़े हुए मामले वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी। रेस्ट ऑफ जो मामले हैं, जो लीगल मामले, वो उन चार ब्रांचों में जाएंगे। ताकि एक तो इसका फायदा ये भी होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर पिटीशन आती है, ज़्यादा जो भी हाई कोर्ट से जुड़े हुए मामले आते हैं ना वो इन आसपास के एरिया से जाते हैं, दिल्ली एनसीआर के, बट जो रेस्ट ऑफ जो मामले हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, साउथ स्टेट के, वो मामले आते नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो पैसों वगैरह का बर्डन बढ़ जाता है। तो वहाँ पे रीजनल अगर सुप्रीम कोर्ट होंगी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच होगी, तो वहाँ उन लोगों की डायरेक्ट सुनवाई भी हो सकती है, ये भी फायदा होगा इससे। तो रीजनल बेंचों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके साथ साथ एक ये किया जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग से बेंच बना दी जानी चाहिए, एक ऐसी अथॉरिटी बना दी जानी चाहिए जो ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही मैटर देखेगी। जैसे हमारे एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एनवी रमन्ना जी, रमन्ना जी, इन्होंने सलाह दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अथॉरिटी बना दी जाए जिसे राष्ट्रीय नेशनल ज्यूरिडिक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NJI, इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NJIAI अथॉरिटी बना दी जाए, बनाई दी जानी चाहिए। मतलब एनवी रमन्ना जी ने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से अथॉरिटी बनाई दी जानी चाहिए जो ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुद्दों को देखेगी, उसे रिलेटेड मुद्दों की जांच करेगी। इस प्रकार से कहीं और भी सलाह दी गई थी, जैसे कि अपन सुप्रीम कोर्ट ने एक काम क्या किया था कि पेंडिंग केसों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ऑनलाइन मामले सुनने स्टार्ट कर दिए थे, ई फाइलिंग का मामला स्टार्ट कर दिया था, बट लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग इतना उसे अफोर्ड कर पाए या काम कर सकें उसके माध्यम से। तो सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों को जागरूक करना चाहिए किस प्रकार से वो ऑनलाइन पे जो अपने केस है उनकी भी सुनवाई कर सकते हैं, ई फाइलिंग कर सकते हैं। तो लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम भी देख ली, इससे रिलेटेड हमने सुधार भी देख लिए। अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इसका कंक्लूजन यही होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट में जो भी पेंडिंग केस हैं उनकी जो प्रॉब्लम है बहुत गहरी है, गंभीर है, इस पे तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ऊपर जो सुधार बताए गए हैं उस सुधारों को मेंशन करके जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को एक अच्छे वे में काम करने के लिए किया जा सके, जिससे सुप्रीम कोर्ट अच्छे तरीके से काम कर सके, ये सारे आप दे सकते हो। एक बार अपन यहाँ पे मेंशन किए गए पॉइंट भी देख लेते हैं, वैसे तो अपने मैं जो समझा दिया वो ये, बाकी एक बार आप पॉइंट भी दे सकते हो। यहाँ पे अपीलेट हाउस कोड अवसंरचना की कमी, ये अपने देख लिया था। एब्सेंस ऑफ जजेस, ये देखो एब्सेंस ऑफ जजेस की संख्या दी गई। अटेंड सेमिनार फंक्शन, ये सब अटेंड करते हैं इसलिए इनकी जो एब्सेंस है वो बढ़ जाती है। और इनमें जो 193 दिनिक काम करते हैं, लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 193 दिनिक काम करते हैं जो कि काफ़ी कम है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 17 कोर्ट रूम है। इनके जो भी इनके जो स्टाफ वगैरह होते हैं इनकी सैलरी कम है, पूरा ट्रेनिंग है, हाई वर्कलोड है जिसकी वजह से भी ये काम नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ई फाइलिंग, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का किया था लेकिन लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसका यूज़ कर सके, तो अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए। ये हिंदी मीडियम दिया जाए, 17 कोर्ट रूम है, वेतन वगैरह ये सारा दिया गया, आप पढ़ सकते हो उसको अच्छे से, इसके पॉइंट बना के मेंस में यूज़ कर सकते हो। अपील फ्रॉम हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से अपील बहुत ज़्यादा की जाती है, इसे भी कम कर सकते हो आप। कैसे? रीजनल बेंच बना के इसे कम कर सकते हो। PIL का मिसयूज होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? PIL का यूज़ सही होना चाहिए, या एक अलग से अथॉरिटी होनी चाहिए जो PIL से मुद्दों से डील करे। फिर स्पेशल लीव पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन क्या होती है कि कुछ भी मामले उसके लिए अगर कुछ करना है तो अलग से पिटिशन दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? एक अलग से स्पेशल लीव पिटिशन के लिए अलग से अथॉरिटी होनी चाहिए जो ओनली इससे मुद्दे, इसके रिलेटेड मुद्दे सुने, तो ये भी इसमें समाधान किया जा सकता है। लंबित मामलों के दौरान कौन? सर्वोच्च न्यायालय में दो विभाजन कर दीजिए, सुधार के लिए बताया जा रहा है। दो विधान, 10वें विधि आयोग ने कहा था, एक तो संवैधानिक विधि आयोग होना चाहिए, एक विधिक जो लीगल मामलों को सुने, और 11वें संविधान जो विधिक आयोग था उन्होंने भी यही सेम प्रकार की सलाह दी थी। फिर स्पेशल लीव पिटिशन है उसके रिलेटेड एक अलग से अथॉरिटी बनाई दी जानी चाहिए, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जिसका नाम हो। ये क्या, ये बिहार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक मामला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SPL से रिलेटेड एक अलग से राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, जो ओनली SPL से रिलेटेड मुद्दों को ही देखेगा। फिर अलग से क्षेत्रीय पीठ इनकी स्थापना, जो रीजनल बेंच मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था वो स्थापित की जानी चाहिए। इसका जो 2009 में विधि आयोग था उन्होंने भी सलाह दी थी, और अलग भी कहीं लोग इनके बारे में सलाह दे चुके हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में अलग से क्षेत्रीय पीठ स्थापित की जा सकती है। स्प्लिट किया जाने, ये इंग्लिश में दे रखा है, इस्टेब्लिश स्पेशल लीव पिटिशन के लिए भी अलग किया, और भी क्या, रीजनल कोर्ट भी स्थापित की जा सकती है। कार्यदेशों की मिलीमत समिति, ये आप मेंशन कर सकते हो। मिलीमत समिति ने रिपोर्ट दी थी, अपना एडवाइस दिया था, सुझाव दिया था कि 206 दिन बढ़ा दिया जो वर्किंग कार्य दिवस थे सुप्रीम कोर्ट के, उसे बढ़ा, जो अवकाश है ये उसे 21 दिन कम कर दिया जाना चाहिए जिससे बढ़ जाए अपने। और लॉ कमीशन ने भी, विधि आयोग ने भी ये कहा था 10-15 दिन की इनकी छुट्टियों में कटौती की जानी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से अथॉरिटी बनानी चाहिए, ये भी एनवी रमन्ना जी ने कहा था। ये इसका निष्कर्ष हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को जो भारी बोझ है उसमें तत्कालिक सुधार की जरूरत को उजागर करता है। न्यायाधीशों की कमी, अपर्याप्त अवसंरचना, निरर्थक अपील जैसे मुद्दों को संबोधित करने की अत्यंत आवश्यकता है। कार्यदेशों की संख्या बढ़ाना, क्षेत्रीय पीठों की स्थापना करना, विशेष अदालत की संभावना तलाशना के साथ साथ दक्षता और पहुँच को बढ़ाना, सुधारों के इन सुधारों को अपनाने से अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली न्यायपालिका का स्थापना की जा सकती है। ये इंग्लिश में भी सेम दे रखा, आप पढ़ सकते हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन डील कर लेते हैं। देखो अभ्यास क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या में योगदान देने वाले कारकों की चर्चा करो। पहले तो क्या करना है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की फैक्ट बता देना है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बता देना। फिर 80,000 मामले है, किस किस ने कहा है वो आप डिटेल दे सकते हो, परिचय दे सकते हो, 80,000 है। फिर लॉ मिनिस्ट्री ने कहा था कि भारत में 21 जज है वो 1,000,000 लोगों की सुनवाई कर सकते हो, ये दे दिया। फिर कारक कौन कौन से हैं, कारक इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ जज, जजों का एब्सेंस, फिर उसके अलावा भी अपने आप 2-3 कारक को कहते हैं, PIL का मिसयूज, हाई कोर्ट द्वारा अपील, इन सबको। फिर सर्वोच्च न्यायालय के संबंध चुनौतियों का समाधान, समाधान क्या क्या, अपील को कम करना है, अलग से क्षेत्रीय बेंच है, और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए लोगों को अवेयर करना है, ऐसे ये जो हमने सारे ऊपर पॉइंट दिए उसको डिस्कस कर सकते हैं। और फाइनल कंक्लूजन दिया, डिस्कस द फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रेटिंग बैकलॉग केसेस इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट, डिस्कस द रिफॉर्म, और फाइनल आप दे सकते हैं। बहुत ईजी है, इसके बारे में अगर ये पढ़ के अपन आराम से आंसर दे सकते हैं। ये प्रीलिम का भी एक क्वेश्चन है जिसे आप अटेंड कर सकते हो। भारतीय न्यायपालिका संदर्भ में निम्नलिखित में से
जो भी कथन है उन पर चर्चा कीजिए, तो ये आप अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा एक और भी मेंस में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसे भी आप अटेंड कर सकते हो। क्या भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अपने क्या सुप्रीम 2014 में एक बना था, क्या बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, एक्ट आया था 2014 में, बाद में वो खारिज कर दिया, तब 2017 में वो था, न्यूज़ में था। तो आप देख सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो तो मैटर चला गया है। बाकी इसको एक बार अटेंड करके आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिस्कशन।